आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रवार को रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई ने करीब 35 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया। मामला थाना अतमान दौलत क्षेत्र के मोती महल का है, जहाँ कई सालों से रह रहे लोगों के आशियाने कुछ ही पलों में ढहा दिए गए। रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान यहां पर 25 घरों को बेघर कर दिया गया है। अब इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं मोती कुंज में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर जो लोग हैं, यहां पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो रेलवे प्रशासन की तरफ से यहां पर करीबन 25 परिवार थे यहां पर जो रहने यहां पर रह रहे थे, उनको बेघर कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो अपना मलबा है, करीबन 30-35 साल से लोगों का कहना है कि 30-35 सालों से वो यहाँ पर अपना जो यहाँ रह रहे थे और अपने परिवार के साथ अपना गुजर बिसर कर रहे थे। जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर जो आलम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर करीब कितने सारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग रोड पर आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग यानी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। तो अम्मा, क्या परेशानी है, क्या किस लिए तोड़ दिया आपने? किस लिए तोड़ दिया? मुझे पुल के चक्कर में तोड़ा है। हाँ, अब हम कहाँ जाए, मुझे बताओ। छोटे छोटे बच्चा है, लड़की देखो, सारी लड़की है, बहन भी है, कहाँ लेकर जाए? किराए पे मकान भी तक नहीं मिल रहे हैं। अभी आप कहाँ रह रहे हो आप लोग? अभी नहीं सो रहे हैं, अभी तो चौड़े में सो रहे हैं, अभी तो रोड पे चले रहे हैं। हम तो नहीं रह रहे, रोड पर ही रह रहे हैं कल से। और माई बच्ची देखो, जो शादी ला के हम बड़े बूढ़े है, काट रहे डोलेंगे किराए पे। और देखो ना जाए तो लेते हो थोड़े ले रहे, अब मानू तो धावा बोन दिया, क्या करें हम? हम कहाँ से जाए भैया? हाँ, नोटिस तो दिया, पंजो कह रहे थे हम वो जरूरत पड़ेगी बिते के लेंगे और ज्यादा नहीं नुकसान करेंगे। अब देखो जो ना जाए सौ लिया है। अचानक आकर आपको जो है, अचानक अचानक ही लिया है सर, अचानक ही लिया है धोखे से। वो पुलिया पर निशान लगाया था। हाँ, और तो यहाँ तक थी वो पुलिया थी, और फिर वो मैं तक था निशान पर जी, तो उस ओर ने आगे तक ले लिया सर। अब बताओ क्या करे? और फिर हमारे घर की तो नहीं है, मना कर दी थी बिल्कुल भी, तुम्हारा घर मत, और फिर ये तुम्हारा घर नहीं जाएगा, मत तोड़ो। और फिर अचानक ही आएगा, फिर वो तोड़ दिया पूरा घर, समझ लो मेरा सामान भी घर में डरा है। और हम रोड भी रह रहे हैं तब से। आपको सामान निकालने का मौका नहीं दिया था सर जी? सामान भी उसी में डर गया सब। हाँ, हमारे पास तो नोटिस ही नहीं था, उसी याद में मेरा भी तोड़ दिया। नहीं था हमारे पास बिल्कुल भी, हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो लोग कहाँ पे सड़क पे, साथ में सड़क पे डरे हुए। अब कहाँ जाए इस समय? मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया हमारे, कोई नोटिस वगैरह कुछ तो देते हमें सर। सौदा निकालने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, एक घंटा भी, सारा सामान इसी में दब गया। हम कहाँ जाए, बच्चों को छोटे छोटे को कहाँ ले जाए, ये बताइए सरकार किधर गई है? कुछ मालूम है कहाँ जाए वो बच्चों को लेके? हम आँख में खोल दिया हमारी, कल से हम लग रहे हैं इसमें भूखे प्यासे, कहाँ से खाना बनाए हम? आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? हमको नहीं पता, नहीं कुछ दिया, एक घंटा का टाइम तो देते, सो हम किसी कहीं रख लेते सामान को। आपको किसी तरह का कोई टाइम नहीं दिया? नहीं दिया टाइम, दिया फोर्स आई थी, अलग हटा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तोड़ दिया। देखो देखो सारा सामान निकल रहा है, अलमारी है, टीवी है, फ्रिज है, सब सारे तोड़ दिए। कहाँ जाए हम? कल से भूखे प्यासे हम, कौन देगा हमको खाना? नोटिस दिया गया तो नोटिस में हमने अपनी बात रखी कि 40 साल से रह रहे हैं और संविधान का ये रूल्स है कि आप ऐसे उनको हटा नहीं सकते, आप इनको कहीं शिफ्ट कर देते भाई, ऐसे तोड़ नहीं सकते आप उनके मकानों को। 40 साल से रह रहा है, इनके पास असेसमेंट था नगर निगम का, ये टैक्स देते चले आए हैं, इनके बिजली के कनेक्शन थे उस पर भी टैक्स दिया है। अगर ये इलीगल थे तो सरकार ने रोड क्यों बनवाए, राशन कार्ड क्यों बनवाए, इनके इलेक्शन कार्ड क्यों बनवाए, इनको जो भी सरकारी सुविधाएँ मिलती थी वो मिल रही थी, तो आज ये सारी चीज़ें इलीगल हो गई। इनको शिफ्ट करते तब थोड़ा अच्छा लगता, जहाँ तो बड़े बड़े बैनर लगा के मोदी सरकार कह रही है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको आशियाना दे रहे हैं, और दूसरे तरफ इनके गरीबों के जो मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये कथनी और करनी में अंतर है, मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो काफ़ी परेशान है, पिछले कई दिनों से इनका कहना है कि नोटिस दिया गया था। हाँ, रेलवे की तरफ से इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है कि इनको कोई एक घंटे पहले तो मोहलत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इनका जो सामान है वो घर के अंदर दबके रह गया है। हालांकि अब ये रोग यानी
एक तरह से कह सकते हैं रोड पर रहने को मजबूर हैं यहाँ पर। और कई जहाँ तक जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, जो आलम देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैमरे में चारों तरफ जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर बने हुए थे वो अब ईंटों के ढेरों में तब्दील हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग बाग हैं वो अपने जो घर के बाहर जो घर है, थोड़ा बहुत कुछ सामान बचा है उसी को लेकर यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कहीं घर बसेरा जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोड पर जो बच्चे हैं, बच्चे भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, उनको देखते हुए जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है उससे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। अपने साथी अनूप के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।